हेलो बच्चों, लेसन का क्वेश्चन क्वेश्चन लाइक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 8 8 0 1 इज 0 0 1 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ए फोर सो मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए टू बी पावर एन इक्वल टू मैट्रिक्स 1 48 2060 0 1 96 0 0 1 देन एन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू डैश। तो यहां पर एन प्लस ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड करने के लिए ई कांसेप्ट हम इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इसमें यूज करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन के अंदर में जो मैट्रिक्स गिवन है, गिवन दैट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 A A 0 1 B 0 0 1, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास। अगर हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए इंटू एट इज 1 A A 0 1 B 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ में 1 A A 0 1 B 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या का हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर ए प्लस ए 2 A आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा ए प्लस ए बी और प्लस का ए आ जाएगा, तो 2A प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी आ जाएगा, और ये एंट्री हमारी 0, ये 0, ये एंट्री 1, 0, ये एंट्री बी प्लस बी 2 भी आ जाएगा, फिर ये 0, ये 0, ये एंट्री 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ए क्यूब, इस मैट्रिक्स हम ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब में निकल जाएगा, तो 1 0 0 तो एंट्री 1 आ जाएगी, फिर ए प्लस क्यू ए ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से ए 2AB और यहाँ से हमारा 2A प्लस का AB आ जाएगा, तो A प्लस 2A कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 2A प्लस का AB ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3AB आ जाएगी, और फिर ये एंट्री हमारी 0 और ये एंट्री आ जाएगी हमारे पास 1 और ये 0 बी और प्लस का 2B तो ये आ जाएगा 3B, फिर ये एंट्री 0 ये 0 ये 1। A टू दी पावर 4 हमारे पास क्या आएगा, ए टू दी पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब इंटू में ए क्यूब हमारा क्या 1 3A और ये का हमारा 3A प्लस का 3AB और ये 0 1 3B 0 0 1 था। इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 A A 0 1 B 0 0 1 कितना आएगा हमारा 1 A प्लस 3A, तो 4A आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए प्लस 3AB और प्लस 3AB तो 6AB आ जाएगा, 3A प्लस से कितना आ जाएगा 4A आ जाएगा और प्लस का 6AB आ जाएगा, और ये एंट्री हमारे पास 0 आ जाएगी और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ए यहाँ से हमारा कितना आएगा 0, बी प्लस 3B 4B आ जाएगा 0 0, ये एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उससे भी लगने इन बीस जो है इस 6 को हम कैसे ले सकते हो, ये हमारा 1 प्लस 6 हम लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 3 प्लस को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 1 है तो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 और एन अगर एन तक जाएंगे तो ये सब हमारा n-1 तक जा रहा है, तो सिमिलरली इन दिस वे तो हमारे पास ए टू दी पावर एन मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर एन ए आ जाएगा, तो और फिर हमारा एन ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 तक जाएगा और इंटू में ए भी आएगा, फिर 0 1 और यहाँ पर हमारा एन बी आ जाएगा 0 0 1, ये हमारे पास ए टू दी पावर एन मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन मैट्रिक्स है, given that a to the power n इसके इक्वल गिवन है, a to the power n is equal to है हमारा 1 48 2160 0 1 0 1 96 0 0 1, तो कंपेयर करेंगे बोथ द मैट्रिक्स by comparing we get n a is equal to 48 आ जाएगा,
एन बी इज इक्वल टू 19 आ जाएगा एंड एन ए प्लस का है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड आंसर n माइनस 1 तक तो सब n माइनस 1 तक का सम हमारा क्या आएगा n इनटू n माइनस 1 बाय 2 और इनटू में ये भी आ जाएगा और इक्वल टू 2160 n a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 48 है यहां पर 48 पुट करेंगे n इनटू में a आ जाएगा इसको कैसे ले सकते हैं ये हमारे पास आएगा n a इनटू n माइनस 1 इनटू b अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2160 n की वैल्यू 48 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48 को राइट साइड में जाके सबट्रैक्ट कर देंगे ये हमारा 24 n माइनस 1 इनटू में क्या आएगा हमारा b आ जाएगा इज इक्वल टू 2160 माइनस का 48 ये वैल्यू कितना आएगा 24 n b आ जाएगा और माइनस का 24 b आ जाएगा 2160 में सबट्रैक्ट करेंगे सॉरी ये 48 ये वैल्यू हमारे पास कितनी 2100 तो वैल्यू आ जाएगा 24 nb nb की वैल्यू हमारा 96 24 इनटू 96 माइनस पर 24 भी इज इक्वल टू 2100 तो वैल्यू यहां से 24 भी इज इक्वल टू 24 इनटू 96 2304 2100 यहाँ से हमें कैसे लेगा n प्लस a प्लस b 8 प्लस 1 प्लस 4 तो कितना जाएगा हमारा 20 इसका फाइनल आंसर हमारा कितना है 24 होप यू अंडरस्टैंड वेल बेस्ट ऑफ द थैंक यू